नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग गिरिराज जी। सर, आ रही है आवाज आप? जी। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस जूम वेबिनार में। माय नेम गिरिराज राठौर। साथियों, इस इंडस्ट्री में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पहली बार जो 3-4 साल का ये दौरान सफर रहा, और आज पहली बार इस मंच पे मुझे मौका मिला। मैं बहुत आभागी हूँ इस सिस्टम और इस कंपनी मैनेजमेंट और सभी सीनियर अपलाइन का। मैं चाहूँगा आप एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है सर। आज जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया था तो कुछ खास जानकारी नहीं थी, बस हमारे जो सीनियर वकील कुमार जी हैं उन्होंने बस जानकारी दी कि सर ऐसे शुरुआत करिए। और मैं एक्चुअली ऑटो चलाता था, और आज ऑटो चलाते चलाते इस सिस्टम में मैं लाइव में इस जर्नी में मतलब 3 बार से ज़्यादा विदेश जा चुका हूँ। ये मुझे सिस्टम की ताकत है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इंडिया में हर जगह घूमने का मौका मिल रहा है, और आज ग्वालियर में भी आए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब इंडिया में कई जगह घूमने का मौका मिल रहा है, नहीं तो एक ऑटो चलाने वाला शख्स कहाँ घूम सकता है। मतलब ये सिस्टम की ताकत है, ये हमारे प्रोडक्ट की ताकत है, ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट उस सिस्टम की ताकत है। साथियों, आज हम लोग आयुर्वेदिक की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक के बारे में सभी जानते हैं, और हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपके सबके बीच में, तो आज क्योंकि आज स्पेशल टॉपिक है, मैं आप लोगों की जोरदार कैपिंग के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मारवा जी को जोरदार क्लैपिंग के साथ। साथियों, स्वागत करेंगे, जोरदार क्लैपिंग। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू गिरिराज जी, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। अपने दिल का ख्याल रखें और ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है आप सबके लिए। और आज का हम मीटिंग की शुरुआत भी पहले की तरह एक विचार के साथ, और उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, और फिर हम कुछ आर्ट पे चर्चा करेंगे। मैं सुबह उठा तो एक गाना याद आ रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया मोटिवेशनल बात हो ही नहीं सकती। और वो हम सब छोटे होते अपनी स्कूल की प्रेयर में गाना गाते थे ना, कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप सब भी गाइए अपनी अपनी जगह पर, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। सो दोस्तों, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, कार्य करते रहिए, एक दिन कामयाबी सबको मिलेगी, ऐसा विश्वास है। अगर हम अपने पर विश्वास रखेंगे तो हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे दोस्तों। सो आज की स्टोरी जो है वो भी इससे मिलती जुलती है। एक शहर में एक लड़का था जो लॉक खोलने में माहिर था, जिसकी कला थी उसके हाथ में कि वो दुनिया का कठिन से कठिन ताला भी वो खोल देता था, चाहे वो ताला तिजोरी का हो या जेल का हो, कोई भी ताला दो वो पल चपकते ही ताले को खोल देता था। उसके हाथ में कुछ ऐसा जादू था। अब मशहूर हो गया, लोग उसको जानने लगे कि ये लड़का तो जादूगर है, 1 मिनट में ताला खोल देता है। तो उसके लिए लोगों ने एक प्रतियोगिता आयोजित की कि ठीक है, आप अपने इस कला का प्रदर्शन जो है सबके बीच में करिए, और अगर आप ये करते हैं तो हम आपको खूब इनाम देंगे। अब उसको
तो एक सभा में जाना था, वहां पर उन्होंने एक पानी का टैंक रखा, पानी के टैंक में एक चैम्बर को के अंदर उसको बिठाकर डाल दिया गया और उससे कहा गया कि अब आप इसका ताला खोलिए। अब उसके पास लिमिटेड समय था और उसको बताया गया था कि अगर आपका सांस घुटने लगे और अगर आपको तकलीफ हो तो यहाँ पर एक एमरजेंसी बटन है, आप उसको दबा देंगे तो ये जो पानी चैम्बर जो है पानी के ऊपर आ जाएगा, आप जो है वो बाहर सुरक्षित आ सकते हैं। अब उसको पानी के चैम्बर में जैसे ही डाला गया, अब वो उसको क्योंकि अपने पर बहुत अधिक विश्वास था, उसने अपनी वो तार निकाली और ताला खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा था उससे। अब धीरे धीरे उसका जो हौसला है वो कम होने लगा क्योंकि सांस घुटने लगी थी, क्योंकि अंदर सांस नहीं आ रही थी, तो उसको लगा कि अगर कुछ पल और रुकेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। उसने तुरंत एमरजेंसी बटन दबाया और उसका जो वो चैम्बर था वो पानी के ऊपर आ गया। अब जब पानी के ऊपर चैम्बर आ रहा था, क्योंकि दुनिया उसको देख रही थी, चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, लोग अपना अपना वीडियो निकाल के उसका वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे थे, अब उसको लगा कि यार ये तो मैं हार गया, मुझे शर्म आ रही थी, और उस शर्म के मारे वो ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे चैम्बर ऊपर आ रहा था पानी के, उसका जो विश्वास है वो कम हो गया और वो नीचे की तरफ बैठकर झुककर बैठा हुआ था कि मैं कैसे ऊपर जाकर दुनिया को फेस करूंगा, कि यार ये तो अपने आप को बोलता था बहुत बड़ा कलाकार है और ये आज हार गया। अब इसी हार के चक्कर में जैसे ही उसने चैम्बर के उस दीवार की तरफ थोड़ा सा पुश किया जहां ताला लगा हुआ था, तो वो एकदम से झटके से वो दरवाजा खुल गया। तो उसको पता लगा कि जिस को वो इतना कठिन समझ रहा था, जिस परिस्थिति को वो समझ रहा था कि उससे सॉल्व नहीं हो रही है, वहां वो ताला लगा ही नहीं हुआ था, वो वहां पर ताला ही नहीं पूरी तरह से लगा हुआ था। और उसको जब बाहर आने के बाद उसको लगा कि अरे ये तो गलती हो गई उससे। सो दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां इसी प्रकार होती हैं कि हम समस्या के बारे में ही विचार कर रहे होते हैं, हम समस्या में ही उलझे हुए होते हैं और कभी एक पल रुककर उसका उसके समाधान के बारे में नहीं सोचते, एक पल रुककर। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि जहां पर हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन जरूरत ये होती है कि हम उस परिस्थिति से बाहर आकर कुछ समय के लिए अगर हम शांत मन से विचार करें, या कई बार कुछ ना करने से भी प्रॉब्लम की सलूशन हो जाती है। हम में से बहुत सारे लोग इसी प्रकार है जैसे वो लड़का पानी के भीतर बैठकर प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, कैसे खोलूं। उसने एक मिनट के लिए विचार नहीं करा कि एक मिनट रुक कर देखूं कि ताला किस स्थिति में और कैसा है। यही हमारे जीवन का हाल है। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो परिस्थितियों के बीच में घुसे रहते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि जरूरत यह है कि आप उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा बाहर आकर शांत हो जाएं, अपने खुले मन से एक बार विचार करें कि वाकई वो समस्या है भी या नहीं। बहुत सारी समस्याएं तो इसी वजह से सुलझ जाती हैं कि आप उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेते, जबकि जिंदगी में कुछ भी स्थितियां जो है वो परमानेंट नहीं है। आप अपने जीवन में सोच के देखें कि जो आज से कुछ साल पहले सच्चाई थी वो आज नहीं है आपके जीवन की सच्चाई। जो चीजें आपके जीवन में पहले 10 साल पहले हुआ करती थी, जिसको आप सच मानकर चल रहे थे, आज वो सच्चाई नहीं है, चाहे वो कोई रिश्ता हो या परिस्थिति हो। तो जिंदगी जो है वो टेम्परेरी है और ये हर समय बदल रही है। तो हमेशा समस्याओं के बीच में घुसे रहने की बजाय अगर हम कुछ समय उस समस्या से बाहर आए और बाहर आकर विचार करें, तो वो कई बार समस्या अपने आप ही सुलझ जाती है। सो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से आप लोगों को आज ये जरूर शिक्षा मिली होगी कि हमेशा प्रॉब्लम के बारे में मत सोचें, कई बार प्रॉब्लम से बाहर आए, शांत मन से उस पूरी परिस्थिति को समझें कि वाकई वो आपके लिए समस्या है या नहीं। तो कई बार हम बिना काम करे भी सोल्यूशन पा लेते हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे अपने जीवन में और एक गाना गुनगुनाएंगे कि हम होंगे कामयाब एक दिन और जरूर होंगे कामयाब। आज जो आप प्रण लेकर बैठे हैं कि आज सुबह उठकर हम सब मिलते हैं इस सभा के अंदर, हम सब आज अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी बातें करते हैं, प्रोडक्ट की बातें करते हैं, क्योंकि हम सब कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में। पूरे विश्वास के साथ ऊपर वाले पर विश्वास रखते हुए अपने कार्य करते रहे, जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों।
आज का जो विषय है वो दिल है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, आज हमें अपने दिल का ख्याल कैसे रखना है इसके बारे में बात करनी है। दिल, बहुत सारे गाने बने हैं ना आजकल दिल पे अब तो, और बहुत सारे लोगों का दिल बार बार टूटता भी है। कॉलेज में बहुत लोगों का दिल टूटा होगा, स्कूल में बहुत लोगों का दिल टूटा होगा, कुछ लोगों का तो दफ्तर में भी दिल टूटता रहता है। तो ये दिल टूटता क्यों है, ये दिल है क्या और ये क्यों टूटता है मेरे दोस्त? हम क्यों कहते हैं कि बार बार ये दिल? बहुत सारे गाने बने हैं ना, एक गाना है ना कि वो दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, है ना गाना है ना, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, है ना ये गाना सबने गुनगुनाया होगा अपनी जिंदगी में। लेकिन रियलिटी ये है कि दिल की बेचारे की कोई आवाज ही नहीं होती, वो तो सिर्फ एक ही काम करता रहता है, खून को पंप करता है सारे शरीर में। एक ऐसा ऑर्गन जिसने हमारी जिंदगी की, जैसे कहते हैं ना, शुरुआत भी धड़कनों से होती है और अंत भी उस धड़कन के बंद होने पे ही होता है। तो एक ऐसा ऑर्गन जो बेचारा छोटा सा है आपकी इस मुट्ठी के आकार का, ये जो मुट्ठी है ना बस इतना ही होता है दिल, 300 ग्राम का दिल है जिसके ऊपर आप दुनिया भर का बोझ लाद के जीते रहते हो। छोटा सा बेचारा पंप है जो ईश्वर ने आपके यहाँ पर दिया, उसका एक ही काम है कि आपके खून को पूरे शरीर में पहुंचाना। वो सारा दिन लगा रहता है, आप सो जाते हैं, आप आराम करने लगते हैं, आप थक जाते हैं, लेकिन आपका ये जो पंप है ये लगातार काम करता रहता है। तो इस पर ज्यादा बोझ मत डालिए। एक्चुअली दिमाग में विचार आते हैं और बोझ बेचारा दिल पे हो जाता है। हमारे जो 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 चीजें हैं, जो भी जिसको आप दिल तोड़ना बोलते हैं, वो परिस्थितियां आपके दिमाग में होती हैं। आपके दिमाग में जब ऐसी नकारात्मक विचार आते हैं, अब आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे जो गलत विचार होते हैं, उससे आपका दिमाग जो है आपको गलत हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे मसल्स में अकड़न पैदा हो जाती है, मसल्स में तनाव पैदा हो जाता है। इसी तरह दिल की जो मसल है उसमें भी तनाव पैदा होता है और वो बेचारा अपनी लय को खो देता है। जब उसकी लय काम करने की खराब होती है तो उसे हार्ट प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हम अपने दिल की बीमारियों से दो चार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये मशीन तो बहुत बेहतरीन है। आज भी पूरी दुनिया में एक भी मशीन ऐसी नहीं बनी जो शरीर की मशीन की टक्कर दे सके। हम दुनिया की बेस्ट से बेस्ट मोटर खरीद ले, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त घरों में मोटरें लगी होंगी, खेतों में मोटरें लगी होंगी जो पानी को पंप करती हैं, लेकिन उनकी भी एक उम्र होती है, कुछ समय के बाद वो रिपेयर मांगती है, खराब हो जाती हैं। लेकिन ये पंप 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक लगातार लगातार काम करता रहता है। आपको पता है आपका दिल दिन में कितनी बार धड़कता है? एक मिनट में ये 72 से 80 बार धड़कता है। एक स्वस्थ शरीर जो है उसका दिल एक मिनट में 72 से 80 बार तक धड़कता है। अब एक मिनट में 72 बार धड़केगा तो आप सोचिए एक घंटे में कितनी बार और एक दिन में कितनी बार, ये 1,00,000 से ज्यादा बार पूरे दिन में धड़कता है। 1,00,000 से 1,25,00,000 बार ये पूरे दिन में आपका दिल धड़कता है। और एक जीवन में कितने करोड़ बार धड़का होगा दिल, आप सोच के देखिए कि ये कितनी मेहनत करता है आपके लिए ताकि आप जिंदा रह सकें, आप स्वस्थ रह सकें। ये धड़कता है, ये शरीर के हर अंग में खून को पहुंचाता है। ये दो मंजिली इमारत की तरह होता है दिल जो है, ऊपर की मंजिल पे खून आता है और नीचे की मंजिल जो है वो पंप करती है, वो मसल जो है वो पंप करती है। और वो पंप इसलिए करती है ताकि जो ऑक्सीजन है, जो हम सांस के द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ब्लड में आती है और ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को जो हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में हम खाने द्वारा लेकर आते हैं, उनको शरीर के हर अंग तक पहुंचाया जा सके। ये है दिल का काम। और कभी दिल खोल कर देखेंगे तो उसमें से एक ही आवाज आती है, पक पक पक, क्योंकि वो सिर्फ पंप कर रहा होता है, दिल की कोई आवाज नहीं होती। जो भी चीजें, परिस्थितियां आप जीवन में देखते हैं या जो भी आप महसूस करते हैं वो आपके अंदर होती हैं। कई बार हम परिस्थितियों से बहुत दुखी हो जाते हैं। आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आप कहाँ देख रहे हैं मुझे? आप अगर आज एक स्क्रीन को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं, तो कहाँ देख रहे
आपकी आंखें जिस दृश्य को देखती हैं वो दृश्य आपके रेटिना के द्वारा आपके दिमाग में चित्र बनाता है और वो चित्र उल्टा बनता है, फिर हम उसको सीधा करके देखते हैं। ये साइंस बताती है तो, और ये सच्चाई है। हम कोई भी परिस्थिति पैदा होती है उसको कहाँ महसूस करते हैं? अपने अंदर। और हम इतने गुलाम हो गए हैं परिस्थितियों के कि अपने अंदर की चीजों की गुलामी हमने दूसरे को दे रखी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी परिस्थितियां हो रही हैं, वो हमारे अंदर हो रही हैं। और अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी विचारों पर कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, तो हमें किसी की गुलामी करने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने विचारों द्वारा दूसरों के गुलाम बनकर काम कर रहे होते हैं। दूसरे ने ऐसा कहा इसलिए मैं ऐसा हो गया, उसकी वजह से मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, उसने ऐसे करा तो मैं ऐसे हो गया। नहीं दोस्त, अगर आप अपने भावनाओं पर, अपने इच्छाओं पर, अपने दिमाग पर काबू रखेंगे तो परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनेंगे और आपका शरीर जो है वो सुचारू रूप से काम करेगा और ये दिल टूटेगा नहीं, ये दिल नहीं टूटेगा और ये दिल लगातार आपके लिए काम करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझे होंगे। कभी इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में हम बात करेंगे इन चीजों के ऊपर, लेकिन आप अपने दिल का ख्याल कैसे रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट के मरीज जो है वो भारत में है, और हार्ट की बीमारी जो है वो सीधा लाइफस्टाइल से लिंक होती है कि आप जीवन शैली को कैसा जी रहे हैं। अगर आपका दिल बार बार टूट रहा है, एक्चुअली दिल नहीं, आपके विचार खराब हो रहे हैं, आपके दिमाग में लोचा हो गया है और आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बेचारा स्ट्रेस जो है वो दिल के ऊपर डाल देते हैं। सो दोस्तों, आज के दिन हम ये देखेंगे कि अपने दिल को कैसे स्वस्थ रखें। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हार्ट पेशेंट है ना, तो वो भारत के अंदर है। लाइफस्टाइल डिजीज है हार्ट डिजीज। भगवान ने हार्ट तो आपको बढ़िया बना के दिया, बहुत बढ़िया पंप, ऐसा पंप जो दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कंपनी में नहीं बना सकती, ऐसा पंप आपको दिया जो आपके जीवन में करोड़ों करोड़ों बार धड़कता है, शायद 22-23 करोड़ बार ये पूरे जीवन में, शायद उससे भी ज्यादा बार ये धड़कता है आपके सीने में, इतना बड़ा। और आपको पता है कि आपका जो शरीर है वो सैकड़ों लीटर पंप करता है खून पूरे दिन में। एक दिन में कई 100 लीटर खून वो पंप करता है, क्योंकि आपके शरीर में जितना भी खून है वो हर हमेशा पंप हो रहा है। वो जो पुराना खून है वो ऊपर वाले चैम्बर में आ रहा है, उसमें से टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर होती है और ऑक्सीजन मिलाकर वो वापस पंप करता है आपके शरीर में। तो ऐसा वो आपके शरीर में रोज सैकड़ों लीटर पंप करता है आपके शरीर में ये जो हार्ट है। तो आप इसका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे क्या? आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे हार्ट में प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं? ओबेसिटी, मोटापा, दिनचर्या अब हमारी ऐसी बन गई है कि हम एक्सरसाइज ही नहीं करते, हम घूमते ही नहीं हैं, हम चलते ही नहीं हैं। अब हरेक को बाइक चाहिए, हरेक को कार चाहिए, हरेक को कंफर्ट चाहिए, हरेक को एयर कंडीशनिंग चाहिए, हरेक को आराम चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए एक्सरसाइज और सैर करना बहुत जरूरी है। तो आपके दूसरा, हमारा खान पान, लाइफस्टाइल के साथ साथ खाना पीना। अभी ये क्या है, फास्ट फूड का जमाना आ गया है, बर्गर पिज्जा का टाइम आ गया है, हम पास्ता खाने लगे हैं, बर्गर पिज्जा खाने लगे हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को खराब करती है। ये आपके खून के अंदर आपका चिपचिपा पदार्थ जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो बढ़ाती है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, खून गाढ़ा होता है और शरीर का जो हार्ट है उसको पंप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब उससे आप एक्स्ट्रा काम करवाएंगे तो वो बेचारा थक कर खराब तो होगा ही। तो खाने पीने की वजह से भी हमें बहुत दिक्कत आती है कि हम गलत खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, हमने अपने जीवन को दूसरों के हाथों में गुलामी में सौंप रखा है। इससे ज्यादा गुलामी क्या हो सकती है कि आपका जीवन भी दूसरों के हाथों में है। अगर वो आपको गाली देंगे तो आपको गलत महसूस होगा, अगर वो आपके साथ बुरा करेंगे तो आप बुरा महसूस करेंगे, आपका अपना कंट्रोल खत्म होता जा रहा है जीवन के अंदर। सो खान पीन खराब है, एक्सरसाइजेज नहीं है, स्मोकिंग का चलन बहुत ज्यादा हो गया है, शराब बहुत लोग पीने लगे हैं,
ये सब चीजें जो है आपके दिल के लिए बहुत बुरी हैं। स्मोकिंग जो है आपके हार्ट के लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि स्मोकिंग करने से जो आपके शरीर में निकोटीन जा रहा है, जो फेफड़ों का फंक्शन कम हो रहा है, फेफड़ों का फंक्शन कम होने की वजह से जो ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए वो कम जा रही है। जब ब्लड में ऑक्सीजन कम जा रही है तो पूरे शरीर की फंक्शनिंग में खराबी पैदा होती है। अब मांस खाते हैं बहुत सारे लोग, रेड मीट, हाई कोलेस्ट्रॉल मीट या बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स हम लोग लेते हैं, चीज, पिज्जा, बर्गर के अंदर इज फुल ऑफ चीज, इज ऑल गुड बैड फॉर हार्ट। ये सब चीजें दिल के लिए बहुत ही खराब हैं। हमने हरी पत्तेदार सब्जी, ताजी सब्जियां खाना शायद कम कर दिया है। हम वो सब प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत खराब है। तो हार्ट की अगर डिजीज अगर है तो अब उसका पता कैसे करा जाए कि ये हमें हार्ट डिजीज है भी या नहीं। देखिए मैंने क्या बोला कि आप अगर घर में आराम, अगर आप पता करना चाहते हैं कि भाई हार्ट डिजीज हो कैसे रही है, क्या मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कैसे पता लगाएं? आप पता लगा सकते हैं कुछ चीजों से। देखिए आपका जो हार्ट है वो पंप करता है, वो पंप जब करता है तो खून जो है वो धमनियों में जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर लोग हैं वो आपकी इस कलाई पे हाथ रखकर ये दो उंगलियां अंगूठे के नीचे जब रखते हैं तो यहां से पल्स का पता लगता है। यहां से अगर आप उंगली दबाकर देखेंगे तो आपको एक धड़कन सी महसूस होगी। वो धड़कन कैसे महसूस हो रही है? क्योंकि जो खून है वो धमनियों में पंप किया जा रहा है हार्ट द्वारा। जब वो धमनियों में पंप होता है, जब वो खून आगे की तरफ पंप होता है तो ये नस जो है ये आपको टस 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 की आवाज देती है। तो इसका भी पल्स रेट भी उतना ही है जितना आपका हार्ट रेट है, क्योंकि जितनी बार वो पंप करेगा वो यहां से आप पता कर सकते हैं। अगर ये पल्स जो है आपकी एक मिनट में 72 बार से कम या 80 से कहीं ज्यादा है तो इसका मतलब आपका पल्स रेट गड़बड़ा रहा है, इसका मतलब आपके हार्ट का फंक्शन जो है वो सही नहीं है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी आप किसी भी बीमारी को पकड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप उस समस्या का समाधान पा पाएंगे। बहुत सारे लोगों में सांस लेने की तकलीफ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक मंजिल चढ़ने के बाद ही सांस फूलने लगा है, तो उसको तुरंत अपने हार्ट को जरूर दिखाना चाहिए कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सांस फूलता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, एक्सरसाइज नहीं हो पाती, कुछ ही समय अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, आपका मन नहीं करता, थकावट रहती है, पैरों में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, जो टखने होते हैं पैरों के पास उस पे स्वेलिंग महसूस हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने हार्ट को एक बार जरूर चेक करवाना चाहिए। चेस्ट में पेन, डिजीनेस, वॉमिटिंग आ रही है, मछली आ रही है, दिल घबरा रहा है आपका, डिजीनेस जिसको बोलते हैं, अगर ये हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार जॉ में पेन होना शुरू हो जाता है इस तरफ, तो उसमें भी अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि कहीं ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। सांस फूल रहा है आपका, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है। घबराहट भी इसीलिए महसूस होती है क्योंकि हार्ट जो है वो पंप खून को सही से नहीं कर रहा। अगर हार्ट बीट इरेगुलर है, अगर आपकी पल्स इरेगुलर हो रही है, आपको लग रहा है कभी तेज हो रही है कभी स्लो हो रही है, इसका मतलब आपकी हार्ट बीट रेगुलर नहीं है। जब हार्ट बीट रेगुलर नहीं होती तो खून प्रॉपर पंप नहीं करता, कभी खून ज्यादा जा रहा है और कभी कम जा रहा है। जब ज्यादा और कम खून शरीर में इरेगुलर तरीके से जाएगा तो घबराहट होना निश्चित है, क्योंकि दिमाग को खून बराबर नहीं मिल रहा आपके। तो ऐसे केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपनी ECG करानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये सब की वजह हार्ट प्रॉब्लम ही हो सकती है, कभी किसी और वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको आप किसी भी रूप में हल्के में ना लें। आप ये मत सोचे कि हल्के में इसको ले लेंगे कोई बात नहीं, ये तो गैस हो सकती है, इसके लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अगर हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? मैं तो यही सलाह दूंगा कि स्वयं का डॉक्टर ना बनकर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। हमने भी आपके लिए डॉक्टर्स की हेल्पलाइन खोली हुई है,
आप हमारे को फोन कर कर अपनी रिपोर्ट्स को भेजकर चेक कर सकते हैं, आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उनकी सलाह पे किसी स्पेशलिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर आपको, तो आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से बात करें, वरना हमारा जो डॉक्टर ऑन कॉल है उस पर आप भेजें, आप बात करें। हमारी जूम कॉल स्टार्ट रहती हैं, आप जूम के ऊपर डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, अगर आप रिपोर्ट पर सलाह लेना चाहते हैं, वो भी आप हमसे ले सकते हैं दोस्तों। अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको कुछ केस में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमारे को हार्ट प्रॉब्लम है, अगर हमें दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो हार्ट का हमने जैसे ही पता लगा कि हमें कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस केस में दोस्तों सबसे पहले खान पान में कुछ बदलाव बहुत जरूरी है। जो लोग मांसाहारी हैं उनको तुरंत अपना रेड मीट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर, मीट के अंदर। हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता ही मांस से है, डेयरी प्रोडक्ट से है, जो पशुओं से हमें आहार मिलता है उन्हीं में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप उस केस में मछली का उपयोग कर सकते हैं, फिश खाएं, ब्रेड मीट मत खाएं उस केस में। नमक बहुत ही वाइट सॉल्ट, जिसको हम टाटा नमक बोलते हैं, ये शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सोडियम की मात्रा जब हमारे शरीर में ज्यादा होती है तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। नमक जो है वो चीजों को गाढ़ा करता है। तो जो नमक खाते हैं, जिनको एक्स्ट्रा सॉल्ट की आदत होती है, कि स्वाद उनको नमक से याद आता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सब्जी में नमक होगा, दाल में नमक होगा, लेकिन फिर से ऊपर से सॉल्ट डालेंगे क्योंकि उनको स्वाद नहीं आता। ज्यादा जो सॉल्ट है आपके शरीर में हार्ट की समस्या पैदा कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा सोडियम शरीर में आपके खून को गाढ़ा करेगा, और जब आपका खून गाढ़ा होगा तो उससे क्या होगा, आपके हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप में से बहुत सारे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, जब वो गोली खाते हैं, तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि गोली खाने के बाद आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, आपको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है। वो गोली करती क्या है? वो गोली ये काम करती है कि आपके शरीर में अधिक मात्रा में जो सॉल्ट जमा हुआ है उसको वो बाहर निकालती है यूरिन के द्वारा। इसीलिए आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है या पेशाब जाना पड़ता है गोली खाने के बाद, क्योंकि उस समय आपके शरीर से नमक की मात्रा, अधिक नमक की मात्रा वो बाहर आ रही होती है। जैसे ही आप यूरिनेशन में जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर अब ठीक होने लगा है। तो नमक कम खाएं, आइसक्रीम, मिठाइयां बंद कर दीजिए, क्योंकि ये भी हार्ट के लिए बहुत खराब है। हाई प्रोटीन्स जैसे पनीर हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत हैवी जो प्रोटीन की डाइट्स हैं, या आप में से जो लोग कई बार प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, ऐसे हार्ट पेशेंट्स को प्रोटीन अगर आप दें तो एक बार डॉक्टर की सलाह से दें और उनकी मात्रा को सुनिश्चित करें, क्योंकि हाई प्रोटीन्स आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट। फास्ट फूड तुरंत बंद कर दीजिए, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, जो बाहर का हम खाते हैं, टिक्कियां, ये सब तुरंत बंद कर दीजिए इसको खाना। कोल्ड ड्रिंक्स आर वेरी बैड फॉर योर हार्ट। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या जो एनर्जी ड्रिंक्स हम पीते हैं, ये सब भी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती दोस्तों। कोकोनट ऑयल, ये भी शरीर में हार्ट के मरीजों के लिए ये भी ठीक नहीं है। अब अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हेल्दी फूड्स कौन कौन से हैं जिससे हम अपने दिल का ध्यान रखें? दिल का ध्यान रखने के लिए सबसे हेल्दी है सैर। आप अपने शरीर को एक्सरसाइज कराएं, जिससे खून का दौरा बढ़ता है, शरीर के जो मसल्स हैं वो बेटर काम करती है। देखिए, हम जब किसी भी अंग से कम काम लेते हैं तो वो बेहतर नहीं, खराब हो जाता है। आप सोच कर देखिए कि अगर आप अगर दाएं हाथ से काम करते हैं तो आपका जो राइट हैंड है, जो राइट हैंड में ताकत ज्यादा होगी बजाय लेफ्ट हैंड के, क्योंकि लेफ्ट हैंड से जब काम नहीं लेते तो यहाँ की मसल्स वीक रहती हैं, दाएं हाथ से काम लेते हैं तो दाएं हाथ की मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसी तरह अगर हम हार्ट को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, उसकी बेस्ट एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉक, तेज चलना, दौड़ना, उसकी सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप कोशिश करें, आप नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे इसको करना शुरू करें। जैसे जैसे आप ब्रिस्क वॉक करेंगे आपका हार्ट हेल्दी होना शुरू हो जाएगा।
उसका पंपिंग बेटर हो जाएगी, वो खून को सुचारू रूप से पूरे शरीर में पहुंचाना शुरू करेगा। तो वहां से शुरू करें, धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक और फिर थोड़ा थोड़ा आप दौड़ लगाएं, साइकिल चलाएं। कोशिश करें कि अगर आप, अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि जितना आप कम संसाधनों का इस्तेमाल करें उतना बेटर है आप लोगों के लिए। अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो सबसे बेस्ट है आपके ग्रीन वेजिटेबल्स, आप पत्तेदार सब्जियां जितनी हो सके उतने लें, वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छी हैं। दिल के लिए स्ट्रॉबेरीज, सेब और ऑरेंज, ये फल बहुत बढ़िया माने गए हैं। स्ट्रॉबेरीज आर वेरी गुड, जो हार्ट पेशेंट है उनको स्ट्रॉबेरीज दीजिए खाने के लिए, और सुबह एक सेब जरूर दीजिए खाली पेट। टमाटर, टमाटर बहुत अच्छा है दिल के लिए, सुबह खाली पेट टमाटर दीजिए उनको खाने के लिए। अखरोट और बादाम ड्राई फ्रूट्स में आर वेरी गुड फॉर योर हार्ट। जो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आप हार्ट पेशेंट नहीं होना चाहते तो सुबह दो अखरोट पानी में भिगोकर और 4, 5, 7, 8, 10 बादाम जितना भी आप अपना लेना चाहें पानी में भिगो कर लें। अगर आप अखरोट रोज लेते हैं ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, ये जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। अखरोट्स आर सो गुड, बहुत ही गुणकारी ये एक ड्राई फ्रूट है, आप इसको भिगो कर लें तो ये बहुत बढ़िया है। बीन्स, बीन्स में बहुत अच्छी है, बीन्स में आप सोयाबीन्स ले सकते हैं, सोयाबीन बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए। फ्लेक्सीड, अलसी के बीज बहुत अच्छे हैं हार्ट के लिए, अगर आप सुबह अलसी के बीज को भिगोकर चबाकर खाएं या फिर अमूल्य का फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल, पूरी तरह से शुद्ध फ्लेक्सीड के तेल से बना हुआ आपके लिए है। लहसुन आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभकारी है, आप सुबह खाली पेट 2 से 3 लहसुन की कलियां चबाकर या उसको कूटकर पानी के साथ खा लें। साबुत नहीं खाना चाहिए क्योंकि साबुत जो पेट में जाएगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो उसको हल्का कूट ले कुंडी छोटे में किसी चीज में और उसको मुंह में रख के पानी से ले ले, नगार ले, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और हार्ट की प्रॉब्लम में भी वो बहुत ही लाभकारी है। कॉफी अच्छी नहीं है आपके लिए, ग्रीन टी लाभदायक है, आप चीनी को कम कर दीजिए, ग्रीन टी पीजिए, और हल्दी, हल्दी भी बहुत गुणकारी है हार्ट प्रॉब्लम्स के अंदर। तो दोस्तों मैं को उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपने नोट करी होंगी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अगर हार्ट की प्रॉब्लम्स है। तो हार्ट की प्रॉब्लम्स को आप निजात पा सकते हैं अगर आप लगातार एक्सरसाइज करें, अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत करें और स्ट्रेस ना लें। जैसा कि मैंने स्टोरी में भी बताया आपको कि हम कई बार समस्याओं के बारे में सोच रहे होते हैं, जब हम समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है, और जब हमारे दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं तो एक 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 नेगेटिव हार्मोन्स जो हमारे हानिकारक हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं ब्लड में और वो सभी मसल्स में जाके तकलीफ देते हैं, और खासकर हार्ट मसल्स को जो कि हमारे शरीर का पंप है वहां पर भी तकलीफ देते हैं, जिससे हमें दिक्कत पैदा होती है। अब अगर हार्ट प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो अब किसी को हार्ट अटैक है तो सर्जरी जरूर करानी चाहिए। हम हार्ट के ऊपर एक अलग से किसी कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ हम इसके ऊपर एक डिटेल में फंक्शंस के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम दवाओं के बारे में बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो हम किस तरह की दवाएं ले सकते हैं। दोस्तों हार्ट के लिए हमारे पास जो आपके लिए है अमूल्य के अंदर, अगर हम उसकी चर्चा करें तो उसमें सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो हार्ट केयर है, कार्डिक्स जिसको हम बोलते हैं। ये दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है। हम जितने भी कैप्सूल्स बनाते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी कैप्सूल्स हैं वो प्योर एक्सट्रैक्ट्स द्वारा बनाते हैं हम लोग कभी भी रॉ जड़ी बूटियों को तैयार नहीं करते कैप्सूलों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हम शुद्ध एक्सट्रैक्ट लेते हैं, एक्सट्रैक्ट में जो चीज हमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी जड़ी बूटियों से हम निकाल लेते हैं और उसको हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कार्डिक्स है, जो आपकी हार्ट की सेहत का ध्यान रखता है, जब आपको ऐसा महसूस हो कि हार्ट प्रॉब्लम हो रही है तो आप कार्डिक्स दे सकते हैं आप उनको, या आप अगर स्वस्थ हैं और अगर आपकी दिल की धड़कन जो है वो इरेगुलर हो रही है, जैसे कहते हैं ना मन घबरा रहा है दिल घबरा रहा है, उस केस के अंदर आप कार्डिक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपकी हार्ट बीट
अनइवन हो रही है तो उसमें कार्डिक्स का इस्तेमाल बहुत बेहतर है, क्योंकि अर्जुना जो है इसमें अर्जुना आपके दिल की मसल्स को ताकत देता है। ये एक बहुत ही पोटेंट और बहुत प्राचीन जड़ी बूटी है, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है अर्जुना के ऊपर। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण करता है, ये हार्ट की मसल्स को ताकत देता है और हार्ट बीट को रेगुलेट करने में बहुत ही कारगर है। इसमें अश्वगंधा, गड़ूची, आंवला, गोखरू, कुटकी, जटामासी, ये जड़ी बूटियां जो हैं इस ये आपके बॉडी के फंक्शंस को बेटर करती हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती हैं, आपके लिवर को ठीक करती हैं और आपके बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है उसको रेगुलेट करती हैं। और इसके साथ साथ इसमें मुक्ता शुक्त पिष्टी और बड़ी इलायची, दालचीनी, दालचीनी बहुत अच्छी है। हार्ट के मरीज जो भी अगर आपके आसपास हैं तो उनको चाय में सुबह थोड़ी सी दालचीनी डालकर दें। दालचीनी ब्लड के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसमें जो दालचीनी जो इसमें डाली गई है, बड़ी इलायची डाली गई है, इसमें जो मुक्ता शुक्ति पिष्टी जो है ये आपके दिमाग को भी शांत रखती है, क्योंकि जब इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं तो ब्लड का जो फ्लो है वो इरेगुलर होता है। जब दिमाग में इरेगुलर ब्लड फ्लो होता है तो उससे घबराहट पैदा होती है, जब घबराहट पैदा होती है तो फिर इंसान की को ठीक महसूस नहीं होता। तो ये जो कार्डिक्स है ये न केवल हार्ट मसल्स को बेहतर करता है बल्कि आपके दिमाग को शांत रखता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके लिवर को और डाइजेशन को भी सही रखता है और आपके ब्लड फ्लो को प्रॉपर ठीक तरीके से खून को शरीर के अंगों तक पहुंचाने में बहुत मददगार है। इसके बाद अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को मिलते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है तो उस केस में कार्डिक्स के साथ ब्रह्मी का इस्तेमाल जरूर करें। आप ब्रह्मी दें, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मी, ब्रह्मी जो है ये आपके न्यूरो सिस्टम को, क्योंकि हार्ट और दिल का इकट्ठा दिमाग है, क्योंकि मैंने आपको बताया विचार तो दिमाग में आते हैं, प्रॉब्लम बेचारे दिल को आप दोष दे देते हैं, नेगेटिव विचार अपने दिमाग में लाते हैं और प्रॉब्लम बेचारे दिल को उसको सहनी पड़ती है। तो ब्रह्मी जो है वो आपके दिमाग की मसल्स को शांत रखती है। बहुत सारे नकारात्मक विचार जब आपके दिमाग में आते हैं तो ब्रह्मी आपके दिमाग को शांति प्रदान करती है, ठंडक देती है। तो वहां पर आप कार्डिक्स के साथ ब्रह्मी का बहुत अच्छा योग माना गया है, आप इसको भी दें। मरीज को आप देखेंगे कि उसको बहुत अधिक राहत मिली है। ऐसे लोग जिनका दिल घबराता है, दिल कहते हैं ना कमजोर है और घबराहट होती है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं परिस्थितियों में, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, तो वहां पर कार्डिक्स के साथ ब्रह्मी का इस्तेमाल करें। अब हमारे को एक और प्रॉब्लम आती है हार्ट में, हार्ट में प्रॉब्लम किस वजह से आती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से। जब हम बहुत ज्यादा चिकना तला हुआ बाहर का पिज्जा या अधिक सॉल्ट खाते हैं तो मैंने आपको बोला कि खून के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ बढ़ने लगता है और वो आपकी आर्टरीज में जो खून ले जाने वाली धमनियां है वहां पर जमना शुरू हो जाता है। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। आर्टरीज में जब ब्लॉकेज आनी शुरू होती है या आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसको इसका ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। देखिए जो हार्ट पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, जो ब्लड प्रेशर जो मरीज हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। सीढ़ियां चढ़ें आप, दो मंजिल सीढ़ियां चढ़ें, अगर आपकी सांस फूलने लग गई है तो इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं अगर आपका सांस फूल रहा है और आपसे काम नहीं हो रहा तो आप तुरंत चेक कराएं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। या जब ब्लड प्रेशर हाई है तो देखेंगे कि 99% केसेस में कोलेस्ट्रॉल हाई मिलेगा आपको। जब कोलेस्ट्रॉल हाई मिलेगा तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हार्ट डिजीज को दावत देना है। आप इन्विटेशन दे रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर कि हार्ट डिजीज तो आ जा आप मेरे पास। तो वहां पर आपने कोलेस्ट्रॉल को अगर कम करना है तो उसके लिए कोलेस्ट्राइन केयर ये एक बहुत बेहतरीन दवा है। इसमें मैंने बताया लहसुन, जैसे मैंने बताया आपको बहुत अच्छा, इसमें भी आप लहसुन देखेंगे, इसमें पिपली, अमलाकी,
शलाकी, इसमें अर्जुना, ये हार्ट और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बेहतरीन जड़ी बूटियां हैं जो आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करेंगी। और इसके साथ साथ आप फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल भी दें। जो फ्लेक्सीड है वो एक बेहतरीन दवा है के रूप में, बहुत सारे फायदे मैं ऑलरेडी एक क्लास में आपको बता चुका हूँ फ्लेक्सीड के। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हो तो कोलेस्ट्राइन केयर और फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल, ये दोनों सुबह शाम देने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपके दिल का ध्यान कैसे रखना है। आपके अगर दिक्कत आ रही है हार्ट बीट में, हार्ट में, तो आपने कार्डिक्स देना है, और कार्डिक्स जो है दिन में 2 से 3 कैप्सूल देने हैं अकॉर्डिंग टू समस्या। अगर समस्या ज्यादा हो रही है तो 3 कैप्सूल दे सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम 2 कैप्सूल दें। और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो कोलेस्ट्राइन केयर जो है वो दिन में 2, और साथ में फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल। फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो दिन में 4 कैप्सूल भी दे सकते हैं, 2 सुबह और 2 शाम को आप इसको दें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें से किसी जड़ी बूटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि आपके बॉडी के फंक्शंस में फायदा ही देती है। तो ये 4 चीजें जो हैं वो आपके दिल का ध्यान रखने के लिए अमूल्य ने बनाई हैं, और ये आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग करेंगी। जिन लोगों को घबराहट होती है उनके लिए मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल जो है वो जननी है हार्ट अटैक की, स्टार्ट ऑफ हार्ट अटैक है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को शरीर में कम रखें, सैर करें, अच्छा भोजन करें, अच्छा खाएं, खूब खाएं, लेकिन सैर करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, और अपने दिल का ध्यान रखें। नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आने चाहिए, दूसरों की वजह से बिना वजह अपना नुकसान ना करें, अपने हार्ट का ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको ठीक लगा होगा, आपने सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, और आपके हेल्थ वॉरियर हैं, आप हेल्थ वर्कर हैं, तो इस तरह से आप खुद का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी मिली। मैं चाहूंगा कि आज की डेट में दिल की जो प्रॉब्लम है सर, ये जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उनको साथ साथ में यंग लोगों को भी बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि दिल तो छोटी छोटी बातें लोग दिल पे ले लेते हैं, तो दिल पे तो दिमाग पे लेना, लेकिन दिल पे डायरेक्ट लेते हैं। तो बाकी बहुत अच्छा जानकारी मिली। मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत शानदार लेडीज हैं, मिस जीतू जी, रूबी मैनेजर हैं हरियाणा से। मैं चाहूंगा एक बार वो आए, अपने विचार रखें। मैं आपकी जोरदार क्लिपिंग के बीच में मिस जीतू जी। नमस्कार साथियों, मैं रितु गोहाना से, मेरी आवाज आ रही होगी? जी जी आ रही है बेटा, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसा कि सर आपने बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां दे रहे हैं, जो ये सुबह का सेशन है, ये वाकई में सुबह उठते ही अमूल्य, सोते अमूल्य, जगते अमूल्य जो याद आती है ना सर, हम कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। और हमें तो अमूल्य में कामयाब होना है, जैसा कि आपने बताया कि हम होंगे कामयाब, हम जरूर कामयाब होंगे सर। आपके साथ, आपके प्रोडक्टों के साथ, आपकी मैनेजमेंट के साथ हम कामयाब नहीं होंगे तो कोई दूसरा रास्ता मुझे दिखाई भी नहीं देता। मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगी हमारे पिता समान एमडी सर का, कि जिन्होंने इन प्रोडक्टों को जन्म दिया, इन प्रोडक्टों को बनाया। आज अगर मैं इस स्टेज पे, आज मुझे जो बोलने का मौका मिला है, मैं उसके लिए भी बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। और अगर ये प्रोडक्ट नहीं होते तो शायद ये आवाज भी नहीं होती, क्योंकि मेरी तो जान ही अमूल्य है। अगर अमूल्य के प्रोडक्ट नहीं होते तो पता नहीं मेरा जीना क्या था, मैं नहीं समझ पाऊंगी इसको कभी भी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब मैं प्रॉब्लम में थी तो मुझे किसी डॉक्टर ने कभी, बहुत कोशिश वो बहुत कर रहे थे लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। जब से मुझे अमूल्य मिली, अमूल्य के प्रोडक्टों ने मुझे जो जान दिया है ना सर, आज भी आंखों में पानी आता है जब मैं इनका, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो प्रोडक्ट है ना वो एक कोई दवाई नहीं है, ये जान है हमारी। आज दुनिया में बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं जहां पर हम सबको पहुंचना है। मैं भी ऐसे ही तड़प रही थी। लोग तो फाइनेंशियल को लेके तड़पते हैं, लेकिन मैं अपनी बॉडी को लेके तड़प रही थी कि मुझे कहां से इलाज मिले। मैं नहीं ठीक हो पाती थी,
हर 2 साल में ऑपरेट, मैंने ये हर जहां भी मुझे बोलने का मौका मिला है मैंने बोला है, ताकि कौन भाई बहन किस चीज से तड़प रहे हो मेरी इस आवाज से सुन के कोई किसी को समस्या का समाधान मिल जाए। तो इसलिए मैं ये 2 बातें जरूर हमेशा रखती हूँ कि अमूल्य के प्रोडक्ट हैं वो वाकई में इतने अच्छे हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है। सर मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अमूल्य को जन्म दिया और अब हम मतलब आपसे आशीर्वाद लेते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें। और आपने एक बात, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, दिल, अपने दिल का ख्याल रखें, ये हमारी भी एक जिम्मेवारी है कि हमें अपना भी ख्याल रखना है और औरों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हम उस मैनेजमेंट के साथ हैं जहां पर लोगों को प्रोडक्टों के साथ हैं जहां लोगों को वाकई में ठीक किया जा सकता है। लोग तो तड़प रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन अब अमूल्य जो है वो हर कोने कोने में हर घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। जितने भी साथी यहाँ पर आज हैं वो सब हर घर घर में जाकर जहां जहां तक हमें जाया जा सकता है हम उन प्रोडक्टों को पहुंचाएं, उनको बताएं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने भी देखा है लोग तड़प रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, पैसे भी बहुत लग रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। मैंने ऐसी ऐसी लेडीज देखी हैं जो रोने लगती हैं जैसे मैं रोया करती थी, मैं उनको बताती हूँ कि नहीं आप ठीक हो सकते हो, आप ठीक हो सकते हो, बट आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आप ठीक हो सकते हो। तो सर मैं बस यही कहूंगी कि अपना जो आपने बोला है अपने दिल का, सच्चाई में हमें अपने दिल का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो औरों का ख्याल कैसे रखेंगे? हमारी लेडीज की तो वैसे भी जिम्मेवारी होती है कि हम अपना ख्याल रखेंगे तो ही हम अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, इसलिए हमारा भी ठीक रहना बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि सर ने बताया कि अच्छा खाएं, अच्छा पिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें दुनिया में बनी है, हम उनको खा सकते हैं ताकि हम ठीक रह पाए। ठीक रखना भी एक जिम्मेवारी होती है, अगर हम ऐसे ही नहीं ध्यान रखेंगे तो क्या फायदा है हमें जीने का। हमें अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना है, स्ट्रोंग रहना है और सबको यही बताना है कि ऐसी ऐसी चीजें अब आ चुकी है जिससे आप लोग ठीक हो सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, आप जिस जिस से जुड़ चुके हैं उन सबका ध्यान रखें। जय हिंद, जय अमूल्य, नमस्कार। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू। गिरिराज जी, हाँ जी, मैंने ना एक कोटेशन पढ़ी थी कहीं जो काफी फेवरेट भी और सबने पढ़ी होगी, लेकिन उसको एक बार फिर से याद करें। वो कहते हैं ना कि खोला होता दिल अगर यारों के साथ, न खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो खुलकर जियो, खुलकर बातें करो, खुलकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा जीवन व्यतीत करो, दिल पे मत लो बस कोई भी चीज, क्योंकि इस पे आप ही का कंट्रोल रहना चाहिए। अपने आप को दूसरों का गुलाम मत बनाओ दोस्तों, इसी विचार के साथ कि भाई जियो खुल के, खोलो दिल दोस्तों के साथ, वरना खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। तो आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। एक छोटी सी सूचना देना चाहता था मैं कि हमारा जो जिम कॉर्बेट का टूर है वो 20, 21, 22 जिम कॉर्बेट के लिए निश्चित कर दिया गया है, बुकिंग करा ली गई है आप लोग। और उसके बाद कल या परसों में मैं दूसरा दीघा के लिए भी बुकिंग की डेट्स कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगा। जो लोग दूर से आना चाहते हैं वो अपनी बुकिंग्स अरेंजमेंट कर लें। डेट्स कंफर्म कर दी गई हैं 20, 21 और 22 अक्टूबर फॉर जिम कॉर्बेट टूर। हम इसमें सीखेंगे भी, ट्रेनिंग भी होगी, मस्ती भी होगी, घूमेंगे भी, खूब सारा फन होगा और साथ साथ गुड बहुत सारी लर्निंग होगी। सो दोस्तों इसी के साथ साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। भगवान आपके जीवन में तरक्की दे, आप खूब अपने जीवन में कामयाब हो और इस गाने को गुनगुनाते रहें कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। खूब काम करें, खूब तरक्की लें, एक्सरसाइज करें, खाना अच्छा खाएं, परिवार के साथ खुश रहें और अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।